नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के उस मंदिर के बारे में जहां महिलाओं का प्रवेश आज भी है वर्जित। भारत विविधताओं में एकता का देश है, यहां लोग अपनी अपनी धर्म संस्कृति को मानते हैं। बिहार अपनी धर्म संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। बिहार में नवरात्र के महीने में माता का मंदिर जयकारों से गूंजता रहता है। इस दौरान कुमारी कन्या से लेकर सुहागन स्त्रियां भी पूजा के लिए माता के मंदिर आती हैं। लेकिन बिहार का एक ऐसा भी मंदिर है जहां नवरात्र के दिनों में महिलाओं के प्रवेश तक की इजाजत नहीं होती है। आइए जानते हैं इसकी वजह। बिहार के नालंदा जिले में स्थित है माँ आशापुरी का यह प्रसिद्ध और पुराना मंदिर। जानकारों की माने तो 9वीं शताब्दी में ब्रज तंत्र ज्ञान और सहज ज्ञान का बहुत तेजी से फैलाव हुआ था। उस समय यह स्थान विश्व का सबसे प्रचलित और वैद्य साधना का केंद्र बना करता था। माता का मंदिर पालकालीन माना जाता है। यह माता का स्वरूप सिद्धिदात्री का है। इस मंदिर में आशापुरी देवी की दो मूर्तियों के साथ शिव पार्वती और भगवान बुद्ध की कई मूर्तियां हैं। बौद्ध लोग यहां आकर तंत्र मंत्र की साधना करते थे। उस समय से लेकर आज तक यहां नवरात्र के समय तंत्र मंत्र की पूजा की जाती है। तांत्रिक नवरात्र के आखिरी दिन यहां निशा पूजा और विशेष प्रकार का हवन करते हैं। नवरात्र के दौरान महिलाएं इस मंदिर के गर्भगृह में पूजा नहीं कर सकती हैं। यह मंदिर में महिलाओं को भजन सुनने की अनुमति है, लेकिन भगवान की प्रार्थना करने की अनुमति नहीं है। मंदिर की परंपरा ना टूटे और महिलाओं की पूजा भी ना रुके, इस वजह से मंदिर के प्रांगण में अलग से मंदिर का निर्माण करवाया गया है। नवरात्रि में यहां आकर महिलाएं पूजा करती है। मंदिर के इतिहास को बताते हुए ग्रामीणों का कहना है कि तकरीबन 350 वर्ष पहले यहां पर माता की प्रतिमा अचानक प्रकट हुई थी। जब इसकी जानकारी राजा घोष को मिली तो उन्होंने इसी स्थान पर माता के मंदिर का निर्माण करवाया। राजा के द्वारा इस मंदिर के निर्माण के कारण इसका नाम घोषरावा गांव रखा गया। राजा घोष के 3 भाई थे। पहले भाई का नाम था घोषरावा, दूसरे का नाम था बड़गांव और तीसरे भाई का नाम तेतरावा था। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार जब प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय अपनी समृद्धि के दौर में था तो उस दौरान यहां पर भी पढ़ाई होती थी। इस मंदिर के महत्व को बताते हुए गांव के लोग बताते हैं कि इस मंदिर में 10 दिनों की विशेष पूजा होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि तांत्रिक लोग यहां आकर सिद्धि भी करते हैं। तंत्र मंत्र के दौरान आसपास की बुरी शक्तियां महिलाओं में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे पूजा विफल हो सकती है। इसीलिए महिलाएं नवरात्र में मंदिर में प्रवेश नहीं करती। कहा तो यह भी जाता है कि जो महिलाएं जबरदस्ती मंदिर में प्रवेश करना चाहती है तो उनके साथ अप्रिय घटना हो जाती है। इस कारण से लोग सहमे रहते हैं। यह परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। यह मंदिर का न सिर्फ तंत्र मंत्र और सिद्धियों के लिए जाना जाता है, बल्कि कहते हैं कि यहां भक्त सच्चे मन से कुछ भी मांगता है तो उसकी इच्छा मां जरूर पूरी करती है। इसीलिए इस माता का नाम आशापुरी है। आशापुरी मंदिर के आसपास की महिलाएं कहती हैं कि नवरात्र के समय मंदिर में महिलाओं का प्रवेश निषेध रहता है। इससे ठीक तो नहीं लगता है, परंतु किसी नियम या चली आ रही परंपरा के कारण ही इसे निभाया जा रहा है। ऐसी ही रोचक और पौराणिक घटनाओं को जानने के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।